सो हे गाइस जिस ऑर्डर का मुझे इतने टाइम से इंतजार था वो आ तो गया। तो फिर चलो इसे फटाफट अनबॉक्स करते हैं जिसे करने में लिटरली मेरी हालत खराब हो गई क्योंकि ये बहुत टाइट था और खुल ही नहीं रहा था इसका अपर बॉक्स खुलने के बाद मिला मुझे सुकून और इस बॉक्स को देखने के बाद माई इट ऑल तो ये रहा मेरा बॉक्स बट स्टिल ये अमेजोन वाले इतने खतरनाक पैकिंग क्यों करते हैं मुझे समझ में नहीं आता है मुझे पता है सेफ्टी के लिए पर फिर भी ये खुलता ही नहीं है बट पैकेजिंग ओपन होने के बाद जो खुशी होती है उसका कोई ठिकाना भी नहीं होता तो बॉक्स ओपन करने के बाद मुझे मिली इसमें एक दो चीज़ें जैसे कि ये इसमें लगाने के लिए जिससे कि मैं इसमें अपना कैनवस फिक्स कर सकूं और कोई भी पेंटिंग बना सकूं। पर लिटरली इसे खोलने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करना है तो मैंने बुलाया पापा को कि मुझे हेल्प करें उसके बाद पापा आए और उन्होंने लगाई थोड़ी चीज़ें इसके साथ इसके एक स्क्रू थे जिससे कि मैं इसको फिट करूं पर फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसको आगे से पीछे से कैसे लगाना है पर उसके बाद मुझे फिगर आउट किया मैंने पापा को बोला के पापा ने ठीक से लगाया उनको ज्यादा नॉलेज है इस बारे में और इस तरह से हम इसके साथ में कोई भी कैनवास या कोई भी पेंटिंग बनाने के लिए फिट कर सकते हैं ये बैक है बॉक्स का इससे हम शिफ्ट कर सकते हैं ज्यादा बड़ा या छोटे कैनवस को फिर बस मेरी चुल ख़त्म नहीं हुई और मुझे लगा कि फ़टाफट इस बॉक्स को भर देती हूँ अपने सामान से ब्रशेस कलर्स वॉशिंग टेप्स और मेरे शेडिंग का सारा मटेरियल उसके बाद छोटे छोटे कैनवसेज़ जो मैंने मंगा के रखे हैं पर अभी तक कलर करने की फ़ुर्सत नहीं मिली है मुझे उसके बाद अपनी सारी छोटी छोटी डिब्बियाँ रखी मैंने कलर्स की एक्रेलिक और उसके बाद किया इसको बंद तो अब हो गया मेरा बॉक्स रेडी कहीं भी जाके मैं घूमने जा रही हूँ बाय बाय एवरीवन और जाके डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पेंटिंग बनाऊंगी और ये रहा मेरा बॉक्स इट्स जस्ट सो प्रिटी और ये बहुत मजबूत भी दिख रहा है तो शायद लंबे टाइम तक चलेगा और मैं इसे बहुत ज्यादा यूज करने वाली हूँ अगर आपको ये बॉक्स चाहिए तो मुझे कॉमेंट करो मैं आपको लिंक डालूंगी कॉमेंट सेक्शन में ही उसके बाद आप भी इसे खरीद सकते हो तो अब जाना पड़ेगा आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय